तो मम्मी कहती है कबाड़ा बीनने जा। स्कूल जाते हो? नहीं। वे कहते हैं कबाड़ा बीनने जा, रोटी बनाएंगे। स्कूल जाने का मन होता है तुम्हारा? हाँ। अब स्कूल इसी के माने भेजते, बच्चे हमारे पेट भरते, हम विधवा। वो मास्टर तो कहता है मगर हमारा पेट कैसे भरेगा। यहाँ से कम होंगे 50-60 होंगे साहब। 300 साल हो गई, 3 पीढ़ी हो गई। चार कुंदनपुर। कुंदनपुर रहते हो? हाँ। तो ये तुम क्या काम कर रहे थे अभी? कबाड़ा। कबाड़ा क्या? प्लास्टिक। कबाड़ा बीनते हो? हाँ। तो स्कूल जाते हो? नहीं। कब से कबाड़ा बीन रहे हो, जोर से बोलो। करीब बीन रहे हैं 10 साल से। उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र है 12-13। तो ये बताओ, तुम्हारा स्कूल जाने का मन होता है? कभी कभी होता है। कभी ऐसा नहीं लगता है कि और बच्चे स्कूल जाते हैं, तुम भी स्कूल जाओ? सारे बच्चे जाते हैं। हमारा कभी कभी मन होता है तो मम्मी कहती है कबाड़ा बीनने जा, हमारा पापा बाहर रहता है, खाना रोटी वोटी बनाते हैं। अच्छा, तो और कोई? कबाड़ा कबाड़ा बीन रहे हो, स्कूल जाते हो? नहीं। क्यों? कभी मन होता है स्कूल जाने का? कबाड़ा बीनने के लिए कौन कहता है? मम्मी पापा। मम्मी पापा कहते हैं? अभी तुमने स्कूल जाने के लिए कहा उनसे? तो ये तुम क्या काम कर रहे थे अभी? कबाड़ा बीनने थे। कबाड़ा बीनते हो? कब से बीनते आ रहे हो कबाड़ा? बचपन से। स्कूल नहीं जाते? ना। स्कूल जाने का कभी मन हुआ तुम्हारा? ना। कभी घर वालों से कहा तुमने स्कूल जाने के लिए? हाँ। क्या कहते हैं घर वाले? वे कहते हैं कबाड़ा बीनने जा, रोटी बनाएंगे। तो कितने दिन भर में कितने रुपए का कबाड़ा बीन लेते हो? 100 का। 100 रुपए का? हाँ। उससे ही काम चलता है, खर्चा तुम्हारा? हाँ। उस पैसे का क्या करते हो? खाना बनाते हैं। क्या काम? कबाड़ा बीनने। तो कबाड़ा बीनने का काम कब से कर रहे हो? छोटे से। स्कूल जाते हो? नहीं। स्कूल जाने का मन होता है तुम्हारा? हाँ। ये कबाड़ा बीनने के लिए कौन कहता है? मम्मी पापा। तो क्यों कहते हैं कि तुम्हें स्कूल भेजते हैं के लिए? स्कूल के लिए कहा उन्होंने कभी? नहीं। अच्छा, तो तुमने कभी कहा स्कूल जाने के लिए? हाँ। कबाड़ा बाबूजी बीनते। अब स्कूल इसी के माने भेजते, बच्चे हमारे पेट भरते, हम विधवा। 10 साल हो गए मालिक हमारे। हाँ, बाबूजी भेजते, पढ़ने को तो जाए, फिर हमारा पेट नहीं भरेगा। हम सब मास्टर सब बुलाते लेकिन हमारा पेट नहीं भरेगा, बच्चे नहीं जाएंगे, नहीं भेजते सर। क्या करें, बीमार रहते हैं उसका पापा, तो कबाड़े को तो जाएंगे, पेट कैसे भरेगा। वो मास्टर तो कहता है मगर हमारा पेट कैसे भरेगा। हाँ साहब, सभी करते हैं साहब। ये स्कूल बहुत कम साहब, कोई साधन नहीं है। बच्चे स्कूल का गरीबत की वजह नहीं भेजे जाते हैं साहब। हाँ, यहाँ से कम होंगे 50-60 होंगे साहब। हाँ, छोटे छोटे से हैं, बड़े बड़े भी हैं साहब। वजह क्या, मजबूरियाँ कराती हैं साहब। मजबूरी ये है कि खेती पाती है नहीं साहब, घर मकान है नहीं साहब। 300 साल हो गई, 3 पीढ़ी हो गई, 4 कम से कम। राशन मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, उसमें गुजर नहीं होती है साहब, बिल्कुल।